हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, बहुत ठंड है सुबह से, और ये टाइम में राइडिंग के लिए तो एकदम बेस्ट रहता है। तो वैसे भी मुझे आज है एक इनविटेशन हाउस वार्मिंग के लिए, और इनविटेशन है सफा में, और सफा तो मालूम रहेगा ना आपको, सफा है, आता है विरार से आगे। तो जैसे मैंने बताया, वाइफ के फैमिली से है, मतलब आपको जाना ही जाना है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह निकलेंगे, लेकिन अभी मुझे दो तीन काम है ज़रा एक के पीछे, तो सुबह तो नहीं निकल सकता हूँ मैं, तो मैं निकलूँगा 4 बजे। लेकिन 4 बजे निकलना मतलब एक गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है वो रोड काफ़ी बिजी रहता है। बोरोली से ही आपको जो ट्रैफिक लगना चालू हो जाता है वो लगभग एक वैसे ही तक आपको ट्रैफिक मिल जाता है वो रोड पे। लेकिन देखते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो गाइस, घड़ी में बज गए हैं 4 और हो गया है निकलने का वक्त। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम इतना सुटेबल नहीं है निकलने के लिए, लेकिन फिर भी, तो आज भी मेरे साथ भाई नहीं है। तो कौन है मेरे साथ? मेरे साथ है मेरी वाइफ गौरी। गौरी, हेलो गाइस। दीदी, हाय गाइस, मैं हूँ गौरी, और आपको जैसे पता होगा आज हम लोग जा रहे हैं सफाली, जो यहाँ से है लगभग 90-80 किलोमीटर्स, और वहाँ से हम लोग जाएंगे नगावे, और वो है मेरा गांव। और आपको तो पता है हमें अपने खुद के गांव 2000 years later. जाते वक्त जैसा अलग एक्सपीरियंस होता है, जैसे हम लोग एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही मैं एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग बाय कार, आई एम गोइंग बाय बाइक राइड। और आपको तो पता है बाइक राइड का एक अलग ही ये होता है अपने गांव जाते वक्त खुद के। सो वहाँ से नगावे है 10-9 किलोमीटर्स, और वहाँ से जाते वक्त जो तांदुलवाड़ी का घाट लगता है ना, उसका एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और वो तो अमेजिंग ही है। इतना आप जाओगे ना तो आपको लगेगा कि अरे मैं कहाँ आ गया हूँ। और दूसरी बात, अगर वो आप रात के वक्त ड्राइव करोगे तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। बेस्ट है इतना भी, मतलब जितना बोल रही उतना कुछ नहीं, वो बहुत बेस्ट है, बिकॉज वो मेरा गाँव तांदुलवाड़ी, और मेरा गांव है ही बेस्ट। यहाँ पे खाली तांदुलवाड़ी ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट है, काफी जगह बेस्ट है, जैसे हम लोग ने पहले व्लॉग्स में भी दिखाए हुए हैं काफी, तो वो भी जगह बेस्ट है। इन लोगों को खाली लगता है कि अपना ही गांव, नो, मेरा गांव बेस्ट है। जैसे हमें खुद को लगता है हमारा खुद का गांव इतना बेस्ट है, वैसे ही मुझे लगता है कि मेरा गांव बहुत बेस्ट है। बोल में कट करना रे, सगड़े कट करना, कट 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 कर। तो मेरे हाथ में कैमरा, मेरे हाथ में आ नहीं रहा था कैमरा, तो इसके लिए थोड़ा एक ट्रिक कर दिया। तो गाइस, मिलते हैं अभी बाइक के ऊपर। बाय बाय। चलो स्टार्ट करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। ये है हमारा माहिम स्टेशन। सो अभी हम पहुंचे हैं माहिम चर्च, और यहाँ पे वेनेसडे को नवीना होता है। माहिम कॉजवे जो बीच से लग के ही रास्ता है। ये है माहिम बीच का सनसेट। आहा, ऐसा खाली रास्ता आगे मिलेगा तो एकदम ही बेस्ट हो जाएगा। अभी हम पहुंचे हैं बांद्रा। हम लोग ने विदिन 20 मिनट्स में ये अंधेरी उड़ान पुल क्रॉस कर रहे हैं। स्लोली मूविंग ट्रैफिक है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। अभी हम पहुंचे हैं गोरेगांव, और यहाँ पर
ट्रैफिक अवॉइड करना है तो मेकअप कम करो और जल्दी निकलो घर से। ये है डाइसर टोल नाका और यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो गया है, बाप रे बाप। ये है भाइंडर का ब्रिज, शायद यहाँ पर नाका बन गया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर काम चालू है और ये रोड पे थोड़ा काम की वजह से ट्रैफिक था और ये सनसेट हो गया है। इतने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के बाद अगर आपको खाली रास्ता मिल जाएगा तो उससे बड़ा सुकून राइडर के लिए कुछ नहीं। तो ये है वरई और यहाँ से हमें लेना है तांडुलवाड़ी के लिए लेफ्ट और ये ब्रिज हमें चढ़ना नहीं है। अभी हम राइड कर रहे हैं तांडुलवाड़ी के घाट पर और रात के वक्त इतना अमेजिंग लग रहा है ये घाट चढ़ते वक्त कि आप भी यहाँ से जाओगे तो सोचोगे कि वाओ, इससे पहले मैंने रात में क्यों नहीं यहाँ से सफ़र किया। दूसरा, आप सुबह के वक्त भी यहाँ से अगर ट्रैवल करते हो तो ये काफ़ी अमेजिंग रास्ता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को राइड करते वक्त, रात के वक्त। सुहाना सफ़र और है मौसम हसी, सुहाना सफ़र और है मौसम हसी। बहुत अमेजिंग लग रहा है ये रास्ता और ऐसे अमेजिंग रास्ते पर अगर एक कप चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे ये घाट चढ़ते वक्त आपको काफ़ी सावधानी से चढ़ना है ये घाट और यहाँ वहाँ कहीं पर भी यहाँ पर रुकना नहीं है आपको, क्योंकि रास्ते पर कुछ भी घर नहीं है या फिर होटल वोटल नहीं है, सो आपको थोड़ी सावधानी लेनी है यहाँ से जाते वक्त। जैसे जेने ने बताया, हम लोग मेरी बहन के घर पे हाउस वार्मिंग को जा रहे हैं और मेरी फुल फैमिली वहाँ पहुँच गई है और आई एम वेटिंग कि कभी मैं पहुंच रही हूँ वहां पर। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक पेट्रोल पंप है जहां पर आप पेट्रोल भर सकते हो। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए सफारा स्टेशन मार्केट। यहाँ पर सोमवार का बाजार लगता है। ये जो बोर्ड दिख रहा है वो है नगावे का, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है
यहाँ से लेफ्ट लेते ही आधे किलोमीटर पर ही हमारा घर है। ये रास्ता इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा खराब है, लेकिन एक अगले 5-10 मिनट में हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। जैसे हम लोग आगे आ गए वैसे ही लेफ्ट और राइट साइड में घर दिखने चालू हो गए, तो शायद अपना डेस्टिनेशन घर नजदीक ही है यहाँ से। और ये आ गया हमारा घर, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी एक्साइटेड सबको मिलने के लिए। ये हाय, ये मेरी बहनी है एंड ये है हमारा घर। वेलकम होम।